नमस्कार, द नगरी मीडिया की खास पेशकश खबर दिनभर बुलेटिन में आपका स्वागत है। चलिए रुख करते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों। 13 नवंबर को मतदान के दौरान नरेश मीणा द्वारा SDM को थप्पड़ मारने के बाद नरेश मीणा की गिरफ्तारी और 14 दिन की न्यायिक हिरासत का विरोध बढ़ता ही जा रहा है। नरेश मीणा को जहां गुर्जर समाज के बाद सर्व समाज का समर्थन मिल चुका है, तो वहीं सांसद संजना जाटव ने भी SDM पर कार्रवाई की मांग को लेकर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को पत्र लिख दिया है। इसके साथ ही प्रदेश के कई जिलों में आज नरेश मीणा को रिहा करने की मांग को लेकर पैदल मार्च निकालते हुए जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपे गए। प्रदेश में अब सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बीते दिनों से सुबह और शाम की गुलाबी सर्दी के साथ अब दिनों में भी लोगों को गर्मी से राहत मिलने लगी है। बीते 48 घंटों की अगर बात की जाए तो इस दौरान रात के तापमान में करीब 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं दिन के तापमान में भी करीब 2 से 3 डिग्री की गिरावट होने के साथ ही लोगों को अब सर्दी का एहसास होने लगा है। मौसम विभाग के अनुसार अगले सप्ताह में तापमान में करीब 2 से 4 डिग्री तक और गिरावट देखने को मिल सकती है। SI भर्ती पर फैसले का इंतजार कर रहे 8 लाख युवाओं को हाईकोर्ट की ओर से बड़ी राहत मिली है। कैलाश चंद शर्मा सहित करीब 2 दर्जन याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने SI भर्ती पर यथास्थिति के आदेश दिए हैं। इसके साथ ही जस्टिस समीर जैन की अदालत ने पासिंग आउट परेड और फील्ड पोस्टिंग पर भी रोक लगा दी है। याचिकाकर्ताओं की ओर से पैरवी कर रहे अधिवक्ता हीरेंद्र नील ने बताया कि हाईकोर्ट ने सभी बिंदुओं पर विचार करने के साथ ही पुलिस और SOG और एडवोकेट जनरल द्वारा पेश की गई दलीलों को ध्यान में रखते हुए अंतरिम आदेश जारी किए। हनुमानगढ़ टाउन के निजी विद्यालय में अध्यापक पर 8वीं कक्षा की बच्ची से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। बच्ची से छेड़छाड़ की सूचना मिलने पर आक्रोशित परिजनों और नागरिकों ने स्कूल के बाहर प्रदर्शन किया। नागरिकों के प्रदर्शन की सूचना मिलने पर टाउन पुलिस और निजी शिक्षण संस्था संघ के पदाधिकारी ने परिजनों से समझाइश की, जिसके बाद बच्ची के परिजनों ने आरोपी शिक्षक विनोद के खिलाफ महिला थाना में बच्ची से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज करवाया। वहीं निजी शिक्षक संस्था संघ जिला अध्यक्ष का कहना है कि मामला हनुमानगढ़ टाउन के स्वामी विवेकानंद विद्या मंदिर का है और स्कूल प्रबंधन ने आरोपी अध्यापक को हटा दिया है। वहीं ऐसे में अध्यापक पर अब संस्था भी निगाह रखेगी। राजस्थान यूनिवर्सिटी में 7 सूत्री मांगों को लेकर छात्र संगठन NSUI की ओर से आज जोरदार हंगामा किया गया। राजस्थान यूनिवर्सिटी की विभिन्न समस्याओं के समाधान को लेकर NSUI की ओर से राजस्थान यूनिवर्सिटी के गेट से कुलपति सचिवालय तक रैली निकाली और कुलपति सचिवालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने बताया कि राजस्थान यूनिवर्सिटी की समस्याओं को लेकर कुलपति को कई बार अवगत करा दिया गया है, लेकिन इसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं होने के चलते अब आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा। जल्द ही समस्या का समाधान नहीं होने पर बड़ा आंदोलन किया जाएगा। राजस्थान सरकार में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर चेचट के महात्मा गांधी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में जनसुनवाई की, लोगों की समस्याएं सुनी। काटोली के राजकुमार दास ने मंत्री दिलावर से शिकायत की। उन्होंने कहा कि मैं हनुमान मंदिर का पुजारी हूँ, घाटोली में गौशाला चलाता हूं, गांव का सरपंच दिनेश तिवारी मुझे बार बार धमकी दे रहा है कि 2 लाख रुपए दो तभी गौशाला चलाने दूंगा, नहीं तो गौशाला बंद करवा दूंगा। मंत्री ने शिविर में चेचट पुलिस थाने के थानाधिकारियों को आरोपी के खिलाफ कार्रवाई के निर्देश दिए। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस और सलमान खान की धमकी मामले में कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ क्षत्रिय कर्णी सेना ने मोर्चा खोल दिया। संगठन का कहना है कि लॉरेंस के गुर्गों द्वारा लोगों को धमकी के खिलाफ कर्णी सेना मदद करेगी। क्षत्रिय कर्णी सेना के अध्यक्ष राज शेखावत ने वीडियो जारी कर लॉरेंस बिश्नोई की गैंग पर जुबानी हमला भी बोला। उन्होंने कहा कि अगर लॉरेंस बिश्नोई गैंग उसकी धमकी रंगदारी वसूली करने की कोशिश करे तो उनसे संपर्क किया जाए, वो लोगों की मदद करेंगे। लॉरेंस की धमकी से पीड़ित लोगों के लिए हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया है। जोधपुर के मथुरादास हॉस्पिटल में रविवार देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। एक्यू केयर वार्ड में आग लगने से मरीज का हाथ और गले के पास का हिस्सा झुलस गया। आग लगने के बाद मरीज की सहायता के लिए कोई नहीं आया, जिसके चलते परिजन ही बचाव में लगे रहे। इस घटना के बाद मरीज के परिजनों ने हॉस्पिटल प्रशासन पर आरोप लगाए। संभाग के सबसे बड़े हॉस्पिटल में इस तरीके के घटनाक्रम के बाद यहां की व्यवस्था पर सवाल खड़े हो गए हैं। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। तमाम राजनीतिक दल के नेता एक दूसरे पर तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं महाराष्ट्र चुनाव प्रचार का आज आखिरी दिन रहा। महाविकास अघाड़ी से लेकर महायुति तक के दिग्गजों ने पूरी ताकत झोंक दी है।
वहीं इस बीच लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार को मुंबई में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और राज्य की महायुति सरकार पर बड़े आरोप लगाए। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि महाराष्ट्र के लाखों करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट दूसरे राज्यों को दे दिए गए हैं। बता दें कि इस दौरान राहुल गांधी ने एक अलमारी से पर्दा उठाया और उसका लॉक खोला। उस अलमारी से राहुल ने दो पोस्टर निकाले, एक पोस्टर में अडानी और पीएम मोदी की तस्वीर थी, दूसरे पोस्टर में धारावी का नक्शा बना हुआ था जिस पर लिखा था कि एक है तो सेफ। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़की हुई है। मणिपुर में पिछले साल मई महीने से राज्य जातीय संघर्ष से जूझ रहा है। दरअसल मणिपुर में राहत शिविर से लापता महिलाओं और बच्चों के शव मिलने के बाद हिंसा भड़क उठी थी। भीड़ ने तीन मंत्रियों और मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह के दामाद समेत छह विधायकों के घरों में तोड़फोड़ की और आगजनी के अलावा दो चर्चों और तीन घरों को फूंक दिया था। बताया जाता है कि महिला और बच्चों की उग्रवादियों ने हत्या की है। इन मुद्दों को लेकर मणिपुर में एक बार फिर से हिंसा की आग तेज हो चुकी है। इसे लेकर केंद्र सरकार ने गृह मंत्रालय व सुरक्षा एजेंसियों के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक कर मणिपुर के हालातों की समीक्षा की और साथ ही हिंसा को रोकने व तनाव कम करने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए। तो ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। आप देख रहे हैं खबर दिन भर बुलेटिन। नमस्कार।